1600 से अधिक आवासीय परियोजनाओं का काम पूरा करने के लिए सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए की आरंभिक राशि के साथ एक वैकल्पिक निवेश फंड बनाने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रुकी हुई किफायती और मध्यम आय आवासीय क्षेत्र की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर आर्थिक सहायता देने के लिए विशेष विंडो कोष की स्थापना को मंजूरी दी है। इस कोष के उद्देश्यों के लिए सरकार एक प्रायोजक के तौर पर कार्य करेगी और सरकार की ओर से दी जाने वाली रकम करीब 10,000 करोड़ होगी। यह रकम उन डेवलपर्स को राहत देगी जिन्हें अपनी अधूरी पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धन की जरूरत है। परियोजनाएं पूरी करने के लिए एक एस्क्रो अकाउंट बनाकर राशि उसमें डाली जाएगी और जैसे जैसे बिल्डर निर्माण कार्य को पूरा करता रहेगा चरणबद्ध तरीके से उसे पैसा भी मिलता रहेगा। बिल्डर इस पैसे का उपयोग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं परियोजनाओं में लगाएगा जहां पर काम अधूरा है और जो रेरा में रजिस्टर्ड है। इसकी निगरानी की जिम्मेदारी SBI कैप को दी गई है। तो समझेंगे सरकार के इस कदम से हाउसिंग सेक्टर में किस तरीके के बदलाव, जो उम्मीदें हैं वो किस तरीके से पूरी होंगी, क्या कुछ इसमें गाइडलाइंस हैं और इसके दायरे में वो कौन से लोग या फिर कौन सी योजनाएं आ रही हैं अगर हाउसिंग सेक्टर की देखें, और कौन फिलहाल इसके दायरे से बाहर होगा। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं स्टूडियो में। मेरे साथ हैं सुधीर कृष्णा है, पूर्व सचिव शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं अनु खान है, अध्यक्ष हैं नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ओनर्स एंड मेंबर्स एसोसिएशन से, आपका स्वागत है। और हमारे साथ तीसरे खास मेहमान उमेश शर्मा है जो कि सदस्य हैं क्रेडाई से। उमेश जी आपका भी स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूँगा अनु आपसे, क्योंकि लंबे समय से आप लड़ाई लड़ रहे हैं मकानों को लेकर, सरकार के इस कदम से किस तरीके से आपको लगता है उम्मीद जो है वो पूरी होगी, घर पाने का सपना या आस जो है वो अब साकार होती नजर आएगी? कवन जी बिल्कुल निश्चित रूप से जो वित्त मंत्री है सीतारमण जी उनको धन्यवाद दूंगा और प्रधानमंत्री जी को बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने लाखों फ्लैट बायर्स की समस्याओं को समझा है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये कहना चाहेंगे कि जो वित्त मंत्री जी ने फैसला लिया है 25,000 करोड़ रुपए देने का, तो उसमें जो दिल्ली NCR में ही काफ़ी फ्लैट जो हैं वो लटके पड़े हुए हैं उनको फ़ायदा होगा। लेकिन उसके साथ साथ जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि वो कोर्ट में नहीं गया हो या किसी अदालत में नहीं चल रहा हो, तो उसमें जो टर्म कंडीशन 2 लगा रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो हटा देनी चाहिए, जिससे जो होम बायर हैं जो 10 साल से अपने घर का इंतज़ार कर रहे थे तो उनको फ़ायदा ज़्यादा मिलता दिखाई देगा, बतौर इसके कि जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं उनको फ़ायदा मिले। ओके क्योंकि जो दिल्ली NCR में देखेंगे कि आप बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो 10 साल पहले बुक करे गए थे। एक पूरा ग्रेटर नोएडा वेस्ट है जहां पूरी सिटी बसाई गई थी, जहां पर करीब 5 लाख के करीब फ्लैट बनने हैं, तो वहां बहुत सारे प्रोजेक्ट अधर में लटके हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं। ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जैसे मैं नाम लूँगा आम्रपाली यूनिटेक JP अर्थ शुभकामना सिटी, तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो कोर्ट गए हुए हैं, NCDRC गए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं, तो उनको भी राहत देने की ज़रूरत है। अगर उसमें टर्म कंडीशन लगा देंगे तो बड़े जो प्रोजेक्ट हैं जहां आप देखेंगे कि 40,000 होम बायर ने बुकिंग करी हुई है, तो उनको भी फ़ायदा मिले। हमारी सरकार से यही विनती है और जो हमारी फाइट चल रही है, हमारी जो हमने विनती करी है सीतारमन जी से और प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से बार बार मीटिंग करी है, 5 बार मिल चुके और 2 दिन पहले भी रेरा कॉन्क्लेव था लखनऊ में जहां हम लोगों ने ये समस्याएं वहां भी रखी थी, मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन भी दिया था, यही मांग करी थी कि कहीं ना कहीं उन जो फ्लैट बायर हैं जो ज़िंदगी भर का सपना देखा है कि दिल्ली NCR में घर हो उनका एक, और उस सपने को पूरा करने की आज उन जो वर्तमान सरकार है उसकी जिम्मेदारी है। क्योंकि ये देखा यह गया है कि जो पिछली सरकारें थीं उनकी वजह से ही ये ज़्यादातर दिक्कतें आई थीं, जिन्होंने लैंड यूज चेंज किया अपने मन मुताबिक, मैं इस पॉइंट पर भी आऊंगा, बिल्डरों को जमीनें दी गई जिसके कारण ये क्योंकि जिसकी वर्थ नहीं थी एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसको 5-5 प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा कि दे दिया गया। स्वागत युद्ध कदम है, लेकिन जो आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो केसेस पेंडिंग है जो यहाँ पर चले गए हैं और मिनिमम
की बजाय जो मीडियोकर फ्लैट है उस तरह के हाई राइज या जो हाई इनकम ग्रुप है उस तरह के फ्लैट को इससे बाहर रखा गया है। सुधीर साहब, सवाल यह कि NCR में अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर देखूँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मुझे लगता है कि शायद 60% या 70% के आसपास आंकड़ा है जो कि प्रोजेक्ट वहाँ पर केसेस चल रहे हैं। अगर वो इसके दायरे से बाहर रहते हैं तो क्या जो मकसद है इस फंडिंग का, इस हाउसिंग सेक्टर को रिवाइव करने का, वो कैसे पूरा होगा? तो आपने जो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उसके साथ ही अगर हम नेशनल कंज्यूमर कमीशन को भी ऐड कर लें और स्टेट कंज्यूमर कमीशन को, तो ये प्रतिशत और बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमें ये देखना है कि मुझे लगता है कि समस्या का जो जड़ है, समस्या की जड़ कहीं और है, और ये पैसे के अनाउंसमेंट से शायद कुछ और भी साथ में करना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ तक ये 25,000 करोड़ की बात है और इसका जो उद्देश्य की बात है, उस तरह का अगर हम भूले ना हों तो जस्ट एक साल पहले स्ट्रेस फंड की बात हुई थी, रियल एस्टेट स्ट्रेस फंड 20,000 करोड़ रुपए का, वो भी लगभग इसी काम के लिए नोटिफाई। उसके भी 2 साल पहले अगर हम जाएँ तो REIT रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात हुई थी, उसका भी लगभग यही उद्देश्य था। तो ये सब उद्देश्य एक के बाद एक बड़ी बड़ी राशि को अनाउंस करने से क्या इस समस्या का समाधान होगा? और समस्या ये है, दो तरह से है, एक तो हाउसिंग फॉर ऑल कि सबको घर मिलना चाहिए, और दूसरा ये कि जिसने अपने घर के लिए पैसे लगा रखे हैं उसको घर पूरा होके उसको उपलब्ध किया जाए। और एक और समस्या है कि उपलब्ध कराने के बाद उसमें रहने की फैसिलिटी हो, मतलब आप मूलभूत सुविधाएं कम से कम, करेक्ट, अगर आपको रहने का उसमें मन नहीं कर रहा, डर लग रहा है कि वहाँ रहेंगे तो पता नहीं हम सेफ हैं कि नहीं, और हमें वहाँ पर पानी ढंग का मिलेगा कि नहीं, और वगैरह वगैरह। अभी गुड़गांव के आगे दूर दूर तक अपार्टमेंट बन गए हैं, जो बन गए हैं लोग रह भी रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब बोरवेल का पानी जिसका TDS लेवल जो है 1,000 से लेकर 1,500 तक है, जबकि होना चाहिए 100 से लेकर 300 के बीच में, वो पानी पीना मुश्किल है, उस पानी से नहाना मुश्किल है, आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी, आपके बाल ख़राब हो जाएंगे, और अंदर बाहर से पूरा शरीर आपका जो है, बर्तन फ्रिज सभी चीज़ें आपकी, वैसे अपार्टमेंट को लेने से फ़ायदा क्या है? तो ये 3 स्टेज की समस्याएं जो हैं उसके लिए ये पैसे अनाउंस करना चलिए ठीक है ये तो, बट इट इज़ ओनली एक कदम है बस। लेकिन कहा ही जा रहा था कि जो बिल्डर्स हैं उनके पास फंड की कमी है, बैंक उनको फंड मुहैया नहीं करा पा रहे, या फिर उनको ऋण नहीं मिल पा रहा है, जिस तरीके से तमाम NOCs या फिर कई सारे जो प्रोजेक्ट थे वो नियमों से अलग खड़े हुए थे। ऐसे में सरकार की कोशिश ये है कि इंस्टॉलमेंट में बिल्डर को फंड मुहैया करा करके स्टेज वाइज प्रोजेक्ट को पूरा कराने की कोशिश होगी। क्या फंड की कमी सिर्फ एक वजह है जो इस तरह की हाउसिंग प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, या इसके साथ कुछ और ऐसे कदम जो फंड के साथ अगर सरकार अनाउंस करती है, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में अनाउंसमेंट हो भी तो वो ज़्यादा बेटर हो सकता है? तो मेरा ये मानना है कि ये फंड जो है वो तो पहले भी आते थे, फंड तो जिसने घर को खरीदना है वो तो दे ही रहे हैं, वो हर समय तैयार हैं। आज तक ऐसा कम ही सुना कि लोग अपने घर के सब कुछ गिरवी रख के भी लोन लेके अपना नया घर खरीदना चाहते हैं, अपने ज्वेलरी तक को लोग दांव पे लगा देते हैं कि एक हमें आशियाना मिल जाए। तो ये मानना तो मेरे लिए मुश्किल है कि पैसे की दिक्कत की वजह से ये प्रोजेक्ट रुक रही हैं। ये मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स बाय द डेवलपर्स एक तो कारण ये है, जो डेवलपर हैं वो एक प्रोजेक्ट को पूरा किए बगैर वो दूसरे प्रोजेक्ट में हाथ डाल दे रहे हैं और पैसे का इधर से उधर ट्रांसफ़र कर, जो रेरा के माध्यम से उसको रोकने का प्रयास किया गया है, लेकिन वो अपने में एक कहानी है। अब रेरा अपने में एक चुनौती, मुझे लग रहा है कि ये रेरा फ्रेमवर्क पे कभी चर्चा करें कि ये क्या करना चाहता था, किस उद्देश्य से बना था और किस उद्देश्य की तरफ ये चल कहाँ तक पहुँचा है, वो ये तो एक बात हो गई है। लेकिन इस जब तक कि हम इसमें डेवलपर से, मान लीजिए हमने कहा कि ये 60 लाख का प्रोजेक्ट है, डेवलपर जो है इसमें पूरा नहीं कर पाया, लेकिन वो प्रोजेक्ट की कीमत तो 90 लाख हो गई है, बचा कौन देगा 30 लाख रुपये? जब तक इस प्रॉब्लम को हम नहीं समझने की कोशिश करेंगे, और उसकी वजह एक और है मेरे हिसाब से, और वो वजह ये है कि बिना आवश्यकता का आंकड़ा लगाए घर बनाते चले जा रहे हैं, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा घर बन रहे हैं। अगर आप देखें तो जो हमारे आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि हमें 2 करोड़ हाउसिंग की ज़रूरत है, जो हाउसिंग फॉर ऑल की प्रोजेक्ट है उसमें 1.9 करोड़ हाउसेज की ज़रूरत है, लेकिन 90% हमको EWS चाहिए। तो EWS की कहानी दूसरी है, EWS में ये प्रोजेक्ट नहीं फंसे हुए हैं, ये प्रोजेक्ट जो है ये फंसे हुए हैं मिडिल इनकम और हायर इनकम ग्रुप में फंसे हुए। सरकार ने जो कल अनाउंस किया उसमें साफ कहा कि हायर जो मैं कहूं कि प्राइसिंग वाले फ्लैट हैं उनको, वो इस दायरे से बाहर होंगे। हमारे साथ क्रेडाई के सदस्य इस वक्त जुड़ चुके हैं, मैं चाहूंगा कि उनके पास हम चलते हैं। जिस तरीके से उमेश जी ये सरकार ने जो अनाउंस किया, सबसे पहले तो ये कि क्या बिल्डर्स या फिर जो मैं कहूं कि तमाम डेवलपर्स हैं उनके पास फंड एक बड़ा संकट था,
जिसके चलते तमाम प्रोजेक्ट रुके हुए थे और सरकार के इस कॉर्पस फंड जो 25,000 करोड़ की बात इनिशियली कही गई है उसके चलते ये समस्या खत्म हो सकती है। दो पहलू होते हैं हर चीज को सॉल्व करने के। पहली बात यह है, सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए का ये पैकेज दिया है, क्रेडाई निश्चित रूप से इसका स्वागत करती है। दूसरी चीज ये है कि जो पहलू हमारे मेरे से पहले वाले वक्ता ने बताए कि इतनी समस्याएं जो रियल इस्टेट में है वो वाकई में है, पर लेकिन हमारे को अगर स्टेप वाइज हम धीरे धीरे इनको सबको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट प्रथम दृष्टिया अगर शब्द कहा जाए तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे को रिलीफ देने की सरकार ने कोशिश की है। और सरकार के मन में ये बात है कि रियल इस्टेट सेक्टर कहीं ना कहीं परेशानी में है, तो ये चीज चलिए एक बहुत अच्छी सोच है, अच्छी बात है, अच्छी सोच है सरकार की कि कम से कम हम कहीं ना कहीं कंसीडर कर रही है। कहीं जो मेरे से पहले वक्ता जो थे उन्होंने पूरी बहुत टेक्निकल चीजों पर बताया कि कोर्ट में केस अटक रहे हैं और सारी चीजें जिन पर काफी चीजें उन्होंने डिटेल में बताई है, बिल्कुल सही है। उमेश जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मैं चाहूँगा कि आपका दोबारा मैं लौटूँ, लेकिन जिस तरीके से अनु जो बात हो रही थी, एक तो एनपीए और एनसीएलटी इनको लेकर भी ये बहुत सारे केसेस, बहुत सारे बिल्डर के प्रोजेक्ट गए हुए हैं, हालांकि सरकार की ओर से जो मैं कहूँ कि आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि इन दोनों मसलों पर कोई प्रोजेक्ट गया हुआ है वो इसके दायरे में आएंगे, उसके बारे में ऑफिसर्स रिपोर्ट सबमिट करेंगे और उसका एक पैटर्न निकालते हुए उसको इस दायरे में लाया जाएगा। आप कहना कि जो कोर्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वो भी इस दायरे में आना चाहिए, जी क्या इससे बड़ा फर्क पड़ेगा? इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अगर देखिए कबीन जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वही गए हैं जो परेशान थे, 10 साल से उनको घर नहीं मिल रहा था, वो रेंट दे रहे थे और ईएमआई दे रहे थे, वो कहीं एक राहत चाह रहे थे कि सरकार से या कहीं से भी उनको राहत मिल सके, क्योंकि 10 साल से वो ईएमआई भी भर रहे हैं बराबर, या तो उनकी ईएमआई बंद हो जाती, वो वित्त मंत्री से बार बार गुहार लगा रहे थे, तो वो नहीं मिल रहा था उनको, तो वो फिर इसलिए वहाँ सुप्रीम कोर्ट में गए कि उनको वहाँ से राहत मिले। अब वहाँ से ये हमने बार बार डिमांड करा कि वित्त मंत्री जी से कि कुछ स्टेट फंड दिया जाए, चिट्ठियाँ लिखी बार बार मुख्यमंत्री से ले जाके, लेकिन अब जो बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनको मिलना चाहिए तो लग रहा है कि उनको नहीं मिलेगा, तो एक निराशा पैदा होगी उन फ्लैट बायर के लिए जो लाखों फ्लैट बायर दिल्ली एनसीआर में बड़े बड़े प्रोजेक्टों में फंसे हुए हैं और उनकी गलतियों का खामियाजा जो बायर है वही भुगत रहा है जो बिल्डरों ने किया है। ओके, तो मेरी मांग यही है कि कहीं एक बार विचार जरूर करना चाहिए, वित्त मंत्री जी को इस पर सोचना चाहिए जिससे उनको फायदा मिल सके। उमेश जी, क्योंकि आपकी आवाज़ थोड़ा सा तकनीकी कारणों से हम तक नहीं आ पा रही थी, मैं चाहूँगा कि जो इसमें दो तीन जो क्लॉज जोड़े गए हैं इस अनाउंसमेंट के साथ, पहला ये कि एनपीए और एनसीएलटी को कंसीडर किया जाएगा इस फंड के लिए जो प्रोजेक्ट इन दोनों भी कैटेगरी में गए हुए हैं, लेकिन जो भी केस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और पेंडिंग हैं उन प्रोजेक्ट को इसके दायरे से फिलहाल बाहर रखने की बात कही गई है। इससे कितना बड़ा एरिया मैं कहूँ प्रोजेक्ट का वो इससे वंचित रह सकता है इस 25,000 करोड़ की मदद से? देखिए वंचित तो बहुत बड़ा सेक्टर रहेगा, उसका कारण क्या है, आप कोर्ट और एनसीआरटी को भी छोड़ दें उसके बावजूद भी इन्होंने ये बोला है कि बैलेंस शीट में नेट वर्थ इनकी पॉजिटिव आ रही हो जी, तो जब बिल्डर की किसी की अगर नेट वर्थ पॉजिटिव आ रही है आज की डेट में, तो वो तो बिल्डर इस स्थिति में है कि अपना प्रोजेक्ट कभी भी कंप्लीट कर देगा। आज प्रॉब्लम तो यही है कि उसकी नेटवर्थ क्या, वो तो बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है। एक जो कंडीशन सबसे ज्यादा जो खतरनाक मेरे को दिखती है वो यही है कि उन्होंने ये भी बोला कि बैलेंस शीट के अंदर उसकी नेटवर्थ पॉजिटिव आनी चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट और एनसीआरटी का बात तो ये डिफरेंट हो गई, वो तो है ही है, उसमें उन्होंने ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में अगर केस चल रहा है तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, पर बाकी अन्य अगर कहीं पर संस्थाओं में अगर केस चल रहा है तो उसे कंसिडर करेंगे, बहुत स्वागत योग्य है। पर लेकिन इसके बावजूद भी ये नेटवर्थ अगर किसी की पॉजिटिव होगी तभी उसको मिलेगा ये पैसा, और नेटवर्थ मेरे को नहीं लगता कि आज की डेट में बिल्डर की नेटवर्थ पॉजिटिव है, अगर नेटवर्थ भी पॉजिटिव होगी तो वो फिर डिफॉल्टर क्या हो रहा है? जी बिल्कुल सही कहा आपने उमेश जी, क्योंकि चार इसमें कैटेगरी है, मैं चाहूँगा दर्शकों के लिए भी साफ करूँ, जो आपने पॉइंट रेज किया बहुत अहम है कि फंडिंग के दायरे में कौन कौन होगा इसको लेकर सरकार ने साफ किया है कि जो भी जिनके पास फंड की कमी है, दूसरा अफोर्डेबल और मिडिल इनकम कैटेगरी में वो आता है प्रोजेक्ट,
तीसरा नेटवर्थ पॉजिटिव होनी चाहिए इंक्लूडिंग एनपीए और एनसीएलटी प्रोसीडिंग्स के साथ, और तीसरा रेरा रजिस्टर्ड, और चौथा उनको प्रायोरिटी दी जाएगी जो कि कंप्लीशन के करीब हैं, जो शुरू नहीं हुए वो सबसे बाद में आएंगे, जो कुछ बन चुके हैं अधूरे पड़े हैं वो दायरे में होंगे। अब ऐसे में सुधीर साहब की फिर किस तरीके से उम्मीद इसको व्यापक की जाए, कुछ और क्लॉज को आपको लगता है कि न्यूट्रलाइज या फिर उसको हटाने की जरूरत है, अगर इस पूरे सेक्टर को मैं कहूं कि हम बूस्ट देना चाहते हैं जो मकसद दिखता है इस फंड का? मुझे लगता है कि जो और वक्ताओं ने कहा बिल्कुल ठीक बातें, मैं सहमत हूं कि एक जो अभी के हालात हैं उसमें इस पैसे को देने से शायद ही कोई प्रोजेक्ट अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सके। एक रास्ता मुझे लगता है संभव शायद हो कि जो एप्लीकेंट हैं उनको साथ में लेके चलना पड़ेगा, जो जिन्होंने जो जो प्रॉपर्टी के लिए जिनके अप्लाई कर रहे फ्लैट ओनर्स हैं या ओनर बनना चाहते हैं उनको साथ में लेके चलना पड़ेगा, और उनको मानना पड़ेगा कि उनको और पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो कानून के बाहर हम जा नहीं सकते हैं। सर मैं समझता हूँ कि आपको, क्योंकि वजह क्या है कि कानूनन देखिए तो किसी को तो पैसे देने हैं, या तो डेवलपर दे और या फिर जो खरीद रहा है वो दे। सरकार अगर पैसे देगी तो ये थर्ड पार्टी के हमारे जैसे जो टैक्सपेयर हैं जिसको उससे कोई लेना देना कुछ नहीं है, ना उसने उसमें पैसे लगाने की कभी सोचा, ना उसका कोई उसमें मंशा है, वो क्यों दे? एक फ्लैट हो, दो फ्लैट हो, या गरीबों के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट हो, चलो उसमें समझ में आता है कि आप वीकर सेक्शन हाउसिंग के लिए कुछ भी टैक्स वैक्स लगा दो वो चलता है, लेकिन मिडिल इनकम ग्रुप के लिए जनता जो है पीपल एट लार्ज, हाउ कैन दे सब्सिडाइज लीगली, इट विल बी डिफिकल्ट। तो गवर्नमेंट के पैसे लगाने के लिए कोई रास्ता और है नहीं सर। मैं अनुगम आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उससे पहले छोटा सा और क्लैरिटी चाहूंगा सर, ये जो नेटवर्थ की बात आ रही है पॉजिटिव होना चाहिए, और जैसा कि हमारे दोनों पैनलिस्ट कह रहे हैं कि अगर पॉजिटिव होगा तो फिर प्रोजेक्ट रुका क्यों हुआ? क्या सिर्फ यही एक हकीकत है या नेटवर्थ पॉजिटिव होने के बावजूद प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, ऐसी आशंका होती है? ऐसी स्थिति किसी किसी केस में, बहुत बिरले केस में होगी, जहां पर कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कमी की वजह से या डेवलपर में आपस में झगड़े हो गए हैं, कहीं कहीं होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर चलाने चले, भाइयों में झगड़ा हो गया डेवलपर्स में, ऐसे दो चंद केस होंगे, लेकिन ज़्यादातर केस में अगर नेटवर्थ पॉजिटिव है तो वैसे लोन देने को बैंक तैयार हैं, बिकॉज अभी टेकर्स भी कम है, बैंक के लोन्स का ऑफटेक भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है, तो बैंक तो वैसे ही लोन दे देंगे, इसलिए वो तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों वक्ता जो कह रहे हैं मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि जिनका नेटवर्थ पॉजिटिव है उनको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट इन वेरी फ्यू केसेज जहाँ मैनेजमेंट के झगड़े की वजह से या कुछ ऐसे मुद्दे की वजह से रुका हुआ है प्रोजेक्ट, वरना तो ये कोई पैसा यूज़ नहीं हो पाएगा उस दिन। अनुभव, क्योंकि दलील उनकी है कि घर आप खरीद रहे हैं, मैं खरीद रहा हूँ, बिल्डर उससे मुनाफा कमा रहा है, तीसरा शख्स क्यों पे करे, यानी कि सरकार उसके पैसे को, टैक्स के मनी को क्यों लगाए, क्यों मदद करे? बिल्कुल सही बात है कविन जी, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो कि बायर ने, जो फ्लैट बायर है, वो बहुत 10 साल से वेट कर रहा है, उसने सारे पैसे बिल्डरों को दिए हैं, डेवलपर को 95% दे चुके हैं, 5% पैसे उसके बचते हैं, जहाँ जब उसने पोजेशन लेना था तब उसको पैसे देने थे, आज उसको फ्लैट नहीं मिला। सरकार को इसमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि बिल्डर को सारे पैसे दे दिए हैं बायर ने, बिल्डर ने कहीं और लगा दिए हैं, तो वो सरकार को चाहिए कि जहां उसने पैसे लगाए हैं उसकी जांच कराया जाए, वो पैसे वहां लाए जाएं। जो पैसे सरकार दे रही है हम स्वागत योग्य है, स्वागत करते हैं उसका, लेकिन जो 25,000 करोड़ की जो बात हो रही है, आप अगर देखेंगे कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां एक एक प्रोजेक्ट में 5-5, 6-6 हज़ार करोड़ रुपए लगना है, तो कैसे संभव है कि 25,000 करोड़ तो सिर्फ ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लग जाना है जो पैसा, लेकिन सुनील साहब कह रहे हैं कि 25,000 में आपत्ति, तो बाकी पैसा फिर कैसे आएगा? तो वही चीज़ है, फिर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कैसे होंगे, क्योंकि वो उनके डेवलपर के पास पैसे ही नहीं है, पैसे तो वो दूसरी जगह लगा के बैठे हैं, काम प्रोजेक्टों पर बंद करके बैठे हैं, तो वो कैसे, जब तक सरकार ये जांच नहीं कराएगी, और कोई भी डेवलपर और सब आज की डेट में ये चाह रहे हैं कि हमें फ्री के पैसे मिल जाएं, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो पैसे जो मिलेंगे गवर्नमेंट से वो भी तो वापस देने हैं, क्योंकि बायर ने तो पैसे दे दिए हैं, अब वो पैसे की भरपाई बाद में कौन करेगा? उमेश जी, वो कहां से लिए जाएंगे? दो बड़े सवाल उभर रहे हैं, एक तो ये जो कि सुधीर साहब कह रहे हैं बिल्डर या डेवलपर, और दूसरी ओर बायर, इनके बीच में तीसरा शख्स क्यों पैसे पे करे, या उसके पैसे जो है टैक्स से सरकार क्यों भरपाई करे, और दूसरा ये कि जिस तरीके से रूट किया गया पैसों को,
क्या उसको वापस लाया जा सकता है सरकारी या प्रशासनिक अमले के द्वारा, जांच या फिर दूसरे मैं कहूं कि जो तमाम टूल्स होते हैं उनके जरिए, वो एक विकल्प हो सकता है? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि ये बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर था आसिफ, जब रेरा आया है उसके बाद ही इसमें ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट बढ़ा है। सभी बिल्डर्स के साथ में जो अनऑर्गेनाइज तरीके से वर्किंग करते थे, सभी बिल्डर ऐसे नहीं है। मैं आपने क्रेडाई की बात बता दूं, क्रेडाई में काफी कहीं हद तक लोग अच्छे से काम करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, पर लेकिन जो पहले के पूर्व की सारी चीजें हो गई हैं, उसे इसको बड़े धैर्य से बायर को भी अपने को समझते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए, यही बायर और बिल्डर ये दोनों आपसी सामंजस्य से ही इस वाली परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। ये घर का झगड़ा टाइप का है, मैं आपको ये बता दूं, इसमें बायर को भी मालूम है मैंने कितना पैसा दिया हुआ है, बिल्डर को भी मालूम है कि इसने कितना दिया हुआ है। अब 2015 से पहले बुक्स में कितना है अलग बात है कि नंबर एक नंबर दो क्या रहता था वो गॉड नोज, जो है बहुत ज्यादा चीजों में मेरे को नहीं मालूम होगी, पर लेकिन ये चीजें थी और वो हमारे जो बात कह रहे हैं सही बात है कि 95% वो पैसा दे चुका है, तो अब वो किसको देगा पैसा, क्यों देगा वो? अब उसको अगर 40% की अगर मानी जाएगी कि इसको 40% पैसा देना है तो वो क्यों देने लगा? तो बहुत सी चीजों की जरूरत है, क्लियर होने की जरूरत है, पर लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि ये स्वागत योग्य कदम है। इसमें एक चीज और क्लियर हो जानी चाहिए, वो होनी चाहिए ये कि इस पर ब्याज कौन देगा पैसे। एक्चुअली अभी तो ये बात आ रही है कि ये पैसा दिया जाएगा, पैसे पर अल्टीमेटली ब्याज कौन देगा? क्या ब्याज रहित पैसा होगा ये? तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत अच्छी स्वागत योग बात है। अगर नहीं है तो फिर ब्याज इस पर कौन देगा? क्या बायर देगा या बिल्डर? नहीं तो क्या बिल्डर सब कुछ फ्री चाहता है? निवेशक से, बायर से पैसे भी चाहिए, सरकार से आर्थिक मदद भी चाहिए, मकान भी नहीं देंगे और ब्याज भी नहीं देंगे, ये तो मुमकिन नहीं देखता हूं। जी नहीं, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही बात है। तो इस परिस्थिति से देखिए निकलने के प्रयास में है, हम तो कह रहे हैं कि ये स्वागत योग कदम है, बहुत अच्छी बात है, पर लेकिन इसको अब इंप्लीमेंट होने दीजिए। सरकार ने भी कुछ सोचा होगा, क्रेडाई भी इस पर कहीं ना कहीं काम कर रही है, और जो जो प्रोजेक्ट इससे कंप्लीट हो सकते हैं उनको करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। चलिए एक आखिरी चीज उमेश जी, क्योंकि आप क्रेडाई के सदस्य हैं, क्या जिस तरीके के हालात इस पूरे के पूरे सेक्टर में हैं, आपको नहीं लगता कि तमाम डेवलपर्स और बिल्डर्स को जिन प्रोजेक्ट के नाम पर, जिन प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने पैसा लिया बाहर से, उससे अलावा, उससे इतर जो भी प्रॉपर्टी, जो प्रोजेक्ट शुरू किए उनको बेचकर भले ही वो घाटे में जाएं, वो पैसा वापस उस प्रोजेक्ट पर लगाएं जिसके लिए उन्होंने पैसा कलेक्ट किया था? बिल्कुल हो रहा है, अम्रपाली में आप देखिए क्या हुआ, यही तो हो रहा है और धीरे धीरे होगा। ये बिल्डर को खुद सरेंडर करना चाहिए, अगर ऐसी परिस्थिति में वो फंसा हुआ है तो वो ये देख ले कि मैं किस तरीके से इससे बाहर आ सकता हूँ। उसकी प्रॉपर्टी अगर बिक सकती है तो उसे बेचना चाहिए। मैं तो कहूंगा, मेरी पर्सनल अगर व्यक्तिगत राय मानी जाए तो मैं तो कहूंगा कि भाई अगर तुम्हारे 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और 4 को अगर बेच करके आप 6 को अच्छे से निकाल सकते हो तो उसे करना चाहिए। ओके, इस बात से सहमत हूं। एक आखिरी कमेंट, आखिरी मेरा ये कहना है कि अपने दिल को मजबूत करके सरकार को ये निश्चय करना चाहिए कि रियलिस्टिक सॉल्यूशन यही होगा कि जो एप्लीकेंट हैं, जिन्होंने फ्लैट के लिए अप्लाई किया है, उनको एक्स्ट्रा पैसे देना होगा। यही एक सॉल्यूशन मुझे लगता है। ये पैसे जो 25,000 करोड़ रुपए हैं, ब्याज तो आपने कहा मूल भी कोई देगा, उसका मूल कौन देगा, ब्याज कौन देगा? इसलिए ये कोई ज़रूरत नहीं है इसकी ज़्यादा, बैंक्स के पास पैसे देने को काफ़ी हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगती है मुझे। लेकिन सच्चाई यही मुझे लगती है कि जो भी उसके एप्लीकेंट हैं घरों के, उनको देना पड़ेगा, उनकी उनका दुर्भाग्य कहिए जो भी कहिए। और अगर सरकार को नई नई कोर्ट बनानी चाहिए जहां पर डेवलपर और एप्लीकेंट के बीच में जल्दी जल्दी मसले समाधान हो, नहीं तो ये समस्या यूं नई नई पिछले 5 सालों में 3 बार 20,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का, जैसे मैंने पहले कहा, अनाउंसमेंट होंगे नई चीजें आएंगी लेकिन बदलेगा नहीं, स्ट्रेस फंड, अभी नया AIF, ये आते रहेंगे, समस्या वही रहेगी। ये तो सुधीर जी, मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ इस बात से, क्योंकि बायर जो ऑलरेडी बोझ में दबा हुआ है, घर का किराया भी दे और बैंक की किस्तें भी चुकाए और इस महंगाई में अपना घर भी चलाए और वो और पैसा दे, तो ये तो संभव हो नहीं सकता, बल्कि उसको और
रिलीफ देना चाहिए और सरकार को और फायदा देना चाहिए, जैसे सरकार किसानों को देती है, मुआवजा देती है। तो बायर जो 10 साल से परेशान है, अपना पैसे लगाए हुए हैं उसने और घर भी नहीं मिल रहा है उसको, तो सरकार को रियायत देनी चाहिए बायर को, उसको मुआवजा देना चाहिए सरकार को कि वो मर रहा है, उसका घर चलाना मुश्किल हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और ये बताने के लिए कि असल में सरकार ने हाउसिंग सेक्टर के लिए जो 25,000 करोड़ का ऐलान किया है कॉर्पस फंड का, उससे फायदा किसको, कैसे और किस तरीके से हो सकता है। और जो पैनलिस्ट में दो बड़ी राय है, एक जो बायर से उनकी ओर से कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में मामले हैं या जो वहाँ पर फैसले हुए हैं वो भी इसके दायरे में आए, और दूसरा जो कि बिल्डर्स की ओर से या डेवलपर्स की ओर से कहा जा रहा है, कड़ाई के सदस्य ने कहा कि पॉजिटिव नेटवर्थ अगर होगी